प्रणाम बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हुमांशी। बिहार में शराबबंदी पर जनता का सर्वे आ गया है और ये सर्वे राज्य में आगे शराबबंदी रहेगी या नहीं इसके लिए भी एक अहम भूमिका निभाती है। दरअसल मद्य निषेध विभाग ने राज्य के 8 जिलों के अलग अलग इलाकों में स्थित करीब 4000 घरों में शराबबंदी को लेकर एक सर्वे कराया है। ये सर्वे करीब 4 महीने तक चला और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। मद्य निषेध विभाग ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट की मदद से बिहार के 8 जिलों में अलग अलग इलाकों में स्थित लगभग 4000 घरों में शराबबंदी को लेकर ये सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक बिहार में शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। सर्वे में राज्य की 100% महिलाओं ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को अच्छा बताया है। महिलाओं का कहना है कि शराब की बिक्री बंद होने से वो अब बेखौफ होकर घूम सकती हैं। वो दिन ढलने के बाद भी घर से निकल पा रही हैं। साथ ही साथ वो बिजनेस भी कर रही हैं। महिलाओं की माने तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी बेहतर पहल रही है और यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार अपने हर एक भाषण और संबोधन में भी कहते नजर आए हैं। मद्य निषेध विभाग के सर्वे में अधिकतर लोग शराबबंदी के समर्थन में हैं। सर्वे में 80% लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया है। वहीं 60% लोगों का कहना है कि शराबबंदी को लेकर सख्ती बढ़नी चाहिए। यानी आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि राज्य में अवैध शराब तस्करी को रोकने और धंधेबाजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को सख्ती जो है वो और बढ़ानी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी। इसके एक साल बाद यानी 2016 में राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो गया। राज्य भर में शराब के उत्पादन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लग गया। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान था। हालांकि बाद में कानून में संशोधन किया गया और जुर्माने की राशि को भी कम किया गया। साथ ही साथ अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपी को जुर्माना राशि देकर छोड़ा जा सकता है। पहले उसे सीधे जेल भेज दिया जाता था। हालांकि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हुए अब 6 साल हो गए हैं, लेकिन शराब की अवैध बिक्री अब भी जारी है। लोग हर रोज नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। साथ ही देसी तरीके से बनने वाली जहरीली शराब पीने का भी ट्रेंड बढ़ गया है। हाल ही में सारण जिले में जहरीली शराब कांड से 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं सब कारणों से लोग शराब तस्करी और जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो जनता का शराबबंदी पर सर्वे आ गया है और अब इस सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं हुमांशी और आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए बिहार तक।